नमस्कार, दिल डेयरी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तैनात एक पुलिस अधिकारी की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इन तस्वीरों में से एक में यह पुलिस अधिकारी सीएम योगी, जो कि गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, उनके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में सीएम योगी पुलिस अधिकारी के माथे पर तिलक लगा रहे हैं। इस अधिकारी का नाम प्रवीण कुमार सिंह है, जिन्होंने खुद भी फेसबुक पर यह तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में प्रवीण कुमार सीएम योगी को माला पहना रहे हैं। आपको बता दें कि प्रवीण कुमार इस समय गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में सर्किल ऑफिसर हैं। उनके जिम्मे कई पुलिस स्टेशन हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रवीण कुमार सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि वह गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम से नहीं गोरखनाथ मंदिर के महंत से आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही फोटो के साथ लिखा है फीलिंग ब्लेस्ड। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से नई बहस शुरू हो गई कि क्या पुलिस की वर्दी पहनकर इस अधिकारी को ऐसा करना चाहिए। फेसबुक और ट्विटर पर इसके पक्ष और विपक्ष हर तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों का कहना है कि इससे कई दूसरे धर्मों से संबंध रखने वाले अधिकारी भी वर्दी में ही धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगेंगे। वहीं कुछ का कहना है 5 मिनट के लिए वर्दी बदलने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में ही इस तरह के विवाद के बाद एक पुलिस के SHO को निलंबित कर दिया गया था, जहां एक साध्वी से यह पुलिस अधिकारी आशीर्वाद ले रहा था।